सहस्रधारा क्या हो गया? बोल रहे तुम लोग हरामी और क्या हो गया? अब शब्द बोलते हो अच्छा नहीं लग रहा है? गाली दोगे तुम भाई? बताओ तुम यूथ हो, रिस्पॉन्सिबल हो ना, ऐसे बोलोगे तुम? गाली नहीं देना चाहिए। अगर हमारा तीसरा दोस्त भी अगर यहाँ होता फैज, तो हमारा प्लानिंग ये था कि हम लोग वहाँ से नहाना स्टार्ट करते, पैर के सहारे फैज को घसीट के लाते और यहाँ से पलट देते और फिर इस तरीके से अगले जाते वहाँ पलट देते। सो गाइस वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग, माय नेम इज अजिताभ आनंद, यू वाचिंग मी फ्रॉम सहस्रधारा। लेकिन इससे पहले यहाँ पहुँचने से पहले मैं आपको बता दूँ, थोड़ा रूट का आइडिया लग जाए आपको कि आप सहस्रधारा कैसे पहुँचेंगे। मैं भी सहस्रधारा में हूँ। पहले हम रोड ट्रिप शुरू करते हैं कि आप देहरादून से राजपुर की तरफ से अगर आप आ रहे हैं तो सहस्रधारा कैसे पहुँचेंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक करिए और चलिए एक वीडियो शुरू करते हैं देहरादून की बहुत ही ज़्यादा फेमस सहस्रधारा की। तो आपको हम लोग इस रूट से कई बार अभी जस्ट माल देवता का वीडियो दिखाए थे, अब देखिए आपको सहस्रधारा लेके जा रहा है। यहाँ से आप राइट लेंगे तो वो माल देवता वाला है, ये सहस्रधारा लेके जा रहा है। पहली बार मैं भी इधर जा रहा हूँ और आज मैं गाड़ी नहीं चला रहा हूँ, मेरा दोस्त है ये चला रहा है, तो हम लोग साथ में आज जा रहे हैं। आगे रोड थोड़ा सा ख़राब है। थैंक यू। ये देखिए सहस्रधारा आते हैं तो कार के लिए 50 रुपये और थ्री व्हीलर तो 50, और अगर आप स्कूटी या बाइक से आ रहे हैं तो 10 रुपीज़ आपको एंट्री टिकट लगता है। आ जाओ। सो फाइनली वी आर एट सहस्रधारा फॉल और यकीन मानिए मैं भी यहाँ पर आकर के थोड़ा सा अमेज्ड हो गया, बिकॉज माल देवता की तरफ आप जाएंगे तो आपको एक बंदा भी नहीं दिखेगा। बट व्हेन यू कम टू दिस प्लेस, यहाँ बहुत ज़्यादा हैपनिंग प्लेस है, बहुत ज़्यादा मार्केट्स है और छोटी मोटी एक्टिविटीज़ जो है वो यहाँ बहुत अच्छे तरीके से हो रही है। ये रहा अपना मालदीव, ये सहस्रधारा में बार बार मालदीव तो बोल रहा हूँ क्योंकि मालदीव तक कई बार हम जा चुके हैं और उसका वीडियो भी आ चुका है। ये देखिए सहस्रधारा का फॉल यही है। अगर आप किसी भी शहर में रहेंगे तो आपको नहीं नहाने का प्रॉब्लम नहीं होगा, साथ ही साथ आपको क्या वाटर पार्क में हमें 500 रुपये का टिकट लगता है, एवरेज यही होता है 500-700, लेकिन यहाँ आप 10 रुपये में दो लोग और ये अगर आप स्कूटी पे तीन लोग ट्रिपलिंग करके आ जाए तो 10 रुपये में तीन लोग, यानी 5 रुपये में आपको जितना पैसा सुलभ शौचालय में देते हैं उतने में आप यहाँ पे अच्छे से नहा लो। बिल्कुल सुलभ शौचालय में भी 5 रुपये लगता है। यहाँ यहाँ पे देखिए कितना शानदार माहौल हो रखा है। बिल्कुल हम दोनों यहाँ पहुँच चुके हैं, तीसरा लौंडा आपको यहाँ दिख रहा, हाँ कैमरे में आ रहे होगा शायद, तो तीसरा लौंडा आपको यहाँ दिख रहा होगा और हम लोग आज इसको बहुत मिस कर रहे हैं क्योंकि हर जगह हम लोग साथ में ट्रिप करें, सोचा वीडियो कॉल करके इसकी थोड़ी और जलाते हैं। जाएंगे तो अब ये लग रहा है कि 10 रुपये दिए हैं तो कम से कम पानी के अंदर नहीं जा सकते, तो कम से कम इस पे चढ़ के उन लोगों को देख करके थोड़ी लालच सी हो रही है, वहाँ तक तो जाएंगे ज़रूर। पूरा सा कह रहा है, बाकी अगर हर जगह आप जाएंगे तो इतना है कि आप डूबेंगे नहीं यहाँ क्या? बिल्कुल डूबने लायक, बिल्कुल भी नहीं डूबने लायक, भी नहीं डूबेगा, पैस भी नहीं डूबेगा इसमें। वहाँ देखिए सारे बच्चे मस्ती कर रहे हैं, अरे पूरा ये पूरा लॉकर, अच्छा लॉकर चेंजिंग रूम भी, आइए वहाँ चलते हैं लॉकर चेंजिंग रूम है और देखते हैं वहाँ का क्या क्या फैसिलिटी वो प्रोवाइड करा रहे हैं। उससे पहले हम लोगों को इससे उस तरफ जाना पड़ेगा और शूज़ पहन के आए हैं, पहले चलिए उस तरफ चलते हैं। पानी देखिए बिल्कुल साफ है, आज मुझे अपने यहाँ पर मतलब थोड़ा सा तरस भी आ रहा है कि सहस्रधारा, पहली बात हम आए थे नहीं आपको मालूम है, आते तो आपको पता होता, आज मालूम चला कि सहस्रधारा में देहरादून में भी मतलब एक वो है रोपवे है जो पीछे आप देख रहे हैं, तो अगर आप रोपवे का एंजॉय करना चाहते हैं जो कि जो करने के लिए आपको मसूरी जाना पड़ेगा, उससे पहले एक फॉल आता भट्टा फॉल वहाँ पर, लेकिन सहस्रधारा में भी अगर आप करना चाहते हैं तो आपको पीछे दिख रहा होगा वहाँ पर आप रोपवे का भी इंजॉय कर सकते हैं। अभी हम लोग बस ऐसे ही घूम रहे हैं रैंडमली और यहाँ पर नहाना तो बनता है, इसी वजह से इतनी भीड़ होती है यहाँ, मुझे मालूम नहीं था कि मतलब इतना शानदार है ये जगह और 10 रुपये का चेंजिंग रूम है। अपने साथ कपड़े लाइए, अरे वाह यार यहाँ देखो कितना मज़ा आएगा यार भाई, ये वर्थ कमिंग जगह है नो डाउट। अनलिमिटेड मस्ती हो रही है 5 रुपये में पर हेड वो भी तब अगर आप गाड़ी से आते हो, स्कूटी से पैदल आ गए तो वो भी नहीं, हाँ गाड़ी भी स्कूटी एक और रीज़न मतलब एक और तरीका है 5 रुपये बचाने का, ये है कि जहाँ चेक पॉइंट है उससे पहले गाड़ी लगा दीजिए आराम से घूमते आ जाएंगे क्या
कितना दूरी है वहाँ से? पास ही है, पास में ही है, लेकिन ये है कि आपकी गाड़ी सेफ हो जाती है 5 रुपए के लिए। क्या मजाक कर रहा है, सामने सुलभ शौचालय। ये देखिए यहाँ से कितना खूबसूरत लग रहा है, पूरा जो शहजारा दिख रहा है आपको। हम लोग बिल्कुल वहाँ खड़े थे, वहाँ से ऐसे ये क्रॉस किया, उसके इधर आ गए। ये नहीं एक्चुअली पीछे वाला, जहाँ से वो भैया दिख रहे हैं येलो टी शर्ट, वहाँ से हमने चेंज किया और इधर आ गए। वाओ, तो चलिए अब यहाँ आई गए तो आपको बता देते हैं बेस्ट टाइम टू विजिट शहजारा कब है। नॉर्मली अप्रैल से मानसून तक का जो टाइम होता है वो बेस्ट टाइम होता है यहाँ पे, यानी अगस्त तक, क्योंकि सितंबर के बाद ठंडी थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। अगस्त में भी यहाँ पे ऐसा र्यूमर है, ऐसा कहा जाता है कि काफ़ी ज़्यादा कभी कभी पानी का फ्लो बहुत ज़्यादा हो जाता है, बट यहाँ लोग रहते हैं, चीज़ें सेफ हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। बट आप सितंबर से पहले यहाँ कभी भी आइए, अप्रैल से सितंबर के बीच में। लॉकर का क्या है और कैसे चीज़ें और खाने का? लॉकर का 50 है 1800 साइज के अकॉर्डिंग। आप ये देख लीजिए लॉकर का, ये 100 रुपये घंटा है, और 50 भी है क्या? 50 वाला ही है। ओके, 50 वाला लॉकर ये 50 रुपीज़ पर आर साइज़ के हिसाब से। भी नहीं, मई जून में। और अभी क्या है? अभी तो भैया जब तक रखूँ, अभी जब तक रखूँ, क्योंकि अभी सीज़न नहीं है। मेन सीज़न तो इसका मई जून में आता है, राइट? मई जून में आता है, और उस वक्त तो काफ़ी भीड़ होती होगी। हाँ भैया, अभी तो हल्की फुल्की है, सैटरडे संडे को होती है, बाकी दिन तो थोड़ा बहुत। जैसे हाँ, यहाँ पे मैंने भी सुन रखा है कि मतलब जब आप मई जून में आएंगे इतनी भीड़ होती है कि मतलब जगह नहीं होगी। वैसे जगह भी बहुत प्यारा। तो ये देख लीजिए यहाँ पर आकर के आप लॉकर, और जो यहाँ देखिए लॉकर, ठंडे पानी के बाद ज़रूरी है कुछ खाना पीना यार। तो अगर आपको बिल्कुल यहाँ से सटे हुए रेस्टोरेंट मिल रहा है, और मैं यहाँ कुछ ट्राई तो नहीं कर रहा हूँ अभी, क्योंकि मैंने कहूँ कि मैंने मतलब नहाया नहीं है अंदर, तो अभी मैं ठीक हूँ, मतलब खाने की ज़रूरत नहीं है। बट आप आकर के यहाँ पर एक अच्छा ऑप्शन है, यहाँ देख सकते हैं, इसके ठीक बाजू में है। देखिए आप आगे बढ़ेंगे तो वो वाटरफॉल है, तो अभी पहले मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। देख, जैसे ही आप यहाँ से निकलेंगे मतलब खाने पीने के बाद, दोबारा अगर आपका नहाने का मन कर रहा है, मतलब खाना खा लिया, कुछ मोमोज खा लिए, फिर से मतलब नहाने का मन कर रहा है, तो आ जाइए, दोबारा आपको दिखाते हैं एक और बहुत ही शानदार वाटरफॉल। और यहाँ देखिए इसके नीचे, ओ भाई मज़ेदार होगा बिल्कुल। यहाँ देखो शानदार सा माहौल हो रहा है, नीचे रहिए ऊपर रहिए। वाओ, और हमारे यादव भैया वहाँ खड़े हैं, फ़ोटोज़ निकाल रहे थे अभी। यहाँ से आपको पूरा दिखाता है शहजारा, वो देखिए आपको रोपवे दिख रहा होगा वो वाला। शहजारा का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। चैनल पे नए हैं और अभी वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और दूसरी वीडियोज भी देखिए। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, घूमने घुमाने के लिए मैं तो हूँ ही अजिताभ आनंद, साइनिंग ऑफ, सी ऑल इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।